हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंट इंग्लिश। स्टूडेंट्स, आज हम सीखने जा रहे हैं हाउ टू फाइंड आउट नाउंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सभी नाउंस को पढ़ लेते हैं, लेकिन उनके समझ में नहीं आता कि इनको कैसे फाइंड आउट किया जाता है। चलिए आज हम सीखते हैं कि इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन स्टूडेंट्स, कॉमन नाउन क्या होते हैं? सेम काइंड। या तो कॉमन नाउन को दो तरह से हम पहचान सकते हैं, या फॉर एग्जांपल मान लो आप द डॉक्टर इज कमिंग। अब जब तक आप देखेंगे नहीं कि डॉक्टर मेल है या फीमेल है, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये मेल है या फीमेल। तो उस कंडीशन में भी हम कॉमन नाउन को पहचान जाते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर लिखा डॉक्टर, द डॉक्टर इज कमिंग। अब कैसे कोई बच्चा पहचानेगा कि डॉक्टर मेल है या फीमेल है? तो उस कंडीशन में कॉमन नाउन क्या हो जाएगा हमारा? डॉक्टर। तो डॉक्टर जो है हमारा इसमें क्या है? कॉमन नाउन है। ये डॉक्टर हमारा कॉमन नाउन है। अब मान लीजिए दूसरा नाउन पहचानने का रूल ये क्या है? ऑफ द सेम काइंड। मान लीजिए ये चेयर लिखा हुआ है, चेयर। ऐसी चेयर क्लास में होगी, दूसरे क्लास में भी हो सकती है, इसीलिए चेयर जो है क्या है आपका? कॉमन नाउन है। तो एक हम ले लेते हैं चेयर। और स्टूडेंट्स, एक और पहचानने का तरीका है कॉमन नाउन का, जिसका प्लूरल बन जाए। जैसे चेयर का प्लूरल बन जाएगा चेयर्स। अब मान लीजिए एक यहाँ पे आपका कॉमन नाउन है टेबल, तो आप इसका भी प्लूरल बना सकते हैं। इसका टेबल का प्लूरल हो जाएगा टेबल्स। अब मान लीजिए यहाँ पे फैन है, तो फैन भी आपका क्या है? कॉमन नाउन है, इसका भी प्लूरल बना सकते हैं। उसके बाद आप देखिए, ये हमारा सब हो गया बच्चों कॉमन नाउन। अब गर्ल भी कॉमन नाउन हो सकती है, जैसे गर्ल, जी आई आर एल, गर्ल। गर्ल भी कॉमन नाउन हो सकती है। अब हम लेते हैं बच्चों इसमें कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जो एक ग्रुप में होता है। जैसे मान लीजिए इधर देखते हैं हम ट्रूप। ट्रूप हमारा कलेक्टिव नाउन है, टीम हमारा कलेक्टिव नाउन है। तो इसमें आप जो है कलेक्टिव नाउन्स को जो है पहचान सकते हैं। जैसे मान लीजिए ट्रूप, तो मान लीजिए ट्रूप है, तो ट्रूप में सिर्फ एक इंसान नहीं रहेगा, बहुत सारे लोग होंगे ट्रूप में। ट्रूप ऑफ मंकीज हो सकता है, अ बंच ऑफ कीज हो सकता है। और उसके बाद हमारा जो टीम है, ये भी हमारा जो है एक कलेक्टिव नाउन है। जैसे टीम में बहुत सारे प्लेयर होते हैं, केवल एक प्लेयर को हम टीम नहीं कह सकते। और बच्चों मान लीजिए क्लास, तो क्लास में भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, एक बच्चे को हम क्लास नहीं कह सकते। तो बच्चों हमने कॉमन नाउन सीखा, कलेक्टिव नाउन सीखा, अब हम प्रॉपर नाउन सीखते हैं। प्रॉपर नाउन स्टूडेंट्स, प्रॉपर नाउन को पहचानने का तरीका क्या है? प्रॉपर का मतलब होता है खास। खास का मतलब मान लीजिए जैसे दिल्ली है, मिस्टर कपूर है, तो ये क्या है? एक खास जगह के नाम है। तो स्टूडेंट्स, दिल्ली एक खास जगह का नाम है और मिस्टर कपूर एक खास इंसान का नाम है। मान लीजिए मिस्टर कपूर का नाम पहले मिस्टर कपूर नहीं रहा होगा, वो बाद में मिस्टर कपूर रहे होंगे। क्लास में पढ़ रहे होंगे तो इनका सब बच्चे बोल रहे होंगे कपूर कपूर, लेकिन बाद में वो मिस्टर कपूर हो गए, यानी वो खास आदमी हो गया। तो स्टूडेंट्स, प्रॉपर नाउन को पहचानने का तरीका ये और भी है कि एक तो खास प्रॉपर जगह को या प्रॉपर कोई खास करते हैं, और दूसरा प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे मान लो दिल्ली का भी प्लूरल आप नहीं बना सकते हो, ना तो मिस्टर कपूर का। तो बच्चों यहाँ पे हमारा पहला हो गया
दिल्ली, और सेकंड हो गया मिस्टर कपूर। तो ये हमारे जो है प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है बच्चों। तो आपको इसमें प्रॉपर नाउन और तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो अब हम लेते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन चलिए इधर से ले लेते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है बच्चों? अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज दैट नाउन विच वी कैन सी और फील बट कैन नॉट टच। इसे हम फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन टच नहीं कर सकते। मान लीजिए इसमें जैसे चाइल्डहुड है, अब मान लीजिए बचपन है, ऑनेस्टी है, इसको आप फील कर सकते हो, लेकिन आप किसी के बचपन को पकड़ नहीं सकते हो। आप कितने ईमानदार हो, आप इस टेबल पे नहीं रख सकते हो। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसका मतलब जैसे ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी और चाइल्डहुड, तो बच्चों अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? यहाँ पे मैंने आपको बताया जैसे ऑनेस्टी है, चाइल्डहुड है, इसको आप फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन यू कैन नॉट टच इट। तो स्टूडेंट्स लास्ट में हमारा कौन सा नाउन आता है? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन बच्चों, मटेरियल नाउन वो नाउन होता है जिससे कि हम एक से अधिक चीजें उससे बना सकते हैं। ऐसे मान लीजिए स्टील है, स्टील से आप जो है प्लेट भी बना सकते हो, स्टील से और चीज़ें भी बना सकते हो। तो इसमें से पहला हो जाएगा आपका स्टील। दूसरा है बच्चों सैंड। सैंड मीन्स क्या होता है? रेत। रेत से आप घर भी बना सकते हो, फ्लोर भी बना सकते हो, फर्श भी बना सकते हो। और उसके बाद बच्चों आपका मिल्क है। मिल्क से बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं, मिल्क से आप चाय बना सकते। तो बच्चों स्टील, सैंड और मिल्क, ये सब मटेरियल नाउन है। और उसके बाद आप यहाँ देखेंगे गोल्ड, सिल्वर, इनसे जैसे गोल्ड से आप चैन भी बना सकते हैं, रिंग भी बना सकते हैं, ज्वेलरी भी बना सकते हैं। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों? ये आपका हो जाएगा गोल्ड मटेरियल नाउन। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे है सिल्वर, और सिल्वर भी चांदी भी कहते हैं हम जिसे, और इससे आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो बच्चों आपने देखा कि इसमें कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा नाउन है। तो इसका मतलब इस वीडियो को जो मैंने आपको बनाया है, इसको देखकर समझकर अब आप कभी नहीं भूलेंगे हाउ टू फाइंड आउट नाउन्स। तो बच्चों ये एग्जाम में भी आता है कि सर्कल द नाउन्स, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन एक्सेट्रा। तो अब आप इसको पढ़ करके ये सब चीज़ें लर्न कर सकते हैं और सीख सकते हैं स्टूडेंट।